बिल्कुल डैमेज हुआ ये देखो F5 का टाइमिंग 22/6/2024 ऑथराइज्ड डीलर से काम किया है इसका। आराम से यहाँ पे बैठ जाएंगे। पूरा डैमेज हुआ है ना। अच्छा। फिल्टर डाला ये वाला सब कुछ है। मालिक आया नहीं है और हम मशीन पे पहुंच चुके हैं। स्पेशल टूल्स लगते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नारायण जाधव। जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता है, मैं जेसीबी बैकहो लोडर हो या अन्य बैकहो लोडर है उसके मेंटेनेंस का काम देखता हूँ, यानी कि सर्विस इंजीनियर हूँ। तो टाटा है, केस है, जेसीबी है, ऐसे बहुत सारे बैकहो लोडर का मैंने काम किया है और आज भी हम वही करने जा रहे हैं। तो कल हमने एक FIP खोला था, 2018 का 19 का मशीन है। तो जितने भी 2011 से लेके 22 तक मशीन आते हैं जेसीबी 3X, उनमें जो FIP लगता है, TVS DLP का लगता है, तो उसको हमने खोला है। उसको खोल के टाइमिंग लगा के ऑथराइज सर्विस सेंटर को भेजा है और आज है शनिवार, तो आज के डेट में उनको हाफ डे होता है। तो कस्टमर जल्दी गया है, सुबह 9 बजे जाके वहाँ पे खड़ा हो गया है और पंप भी खुल चुका है। तो कस्टमर का मुझे कॉल आया था कि लगभग उन्होंने एस्टिमेटेड टाइम बताया है कि 11:30 बजे तक हमारा जो पंप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं वही वेट कर रहा हूँ, जैसे ही उनका फ़ोन आता है। अभी देखो 11 बज चुके हैं और कुछ, तब तक TV भी देख लेता हूँ ताकि समय निकल जाए। जैसे उनका कॉल आएगा हम निकलेंगे यहाँ से, और वहाँ जाने के बाद फ्यूल इंजेक्शन पंप में कितना खर्चा आया, वो क्या प्रॉब्लम था, पहले क्या फायरिंग थी, उसका साउंड कैसे था, उसके बाद क्या साउंड है, वो सब कुछ बताऊंगा। तो अभी वेट करते हैं, जैसे ही कस्टमर का कॉल आता है सफ़र के लिए निकलते हैं। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के दूरी पे वो मशीन है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो चलो वेट करते हैं, अभी और कर भी क्या सकते, तब तक कुछ देख लेता हूँ TV पे। जैसे कि कस्टमर 11:30 बजे तक कॉल करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही काम हुआ 5-10 मिनट पहले, तो एक अच्छा रहता है 11:30 से पहले ही अपना मशीन का जो FIP था वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ से निकला हूँ मैं लगभग 1 घंटे के करीब, डिपेंड है ट्रैफिक वगैरह कैसा है, उस हिसाब से जो टाइम है लगभग 1 घंटा पकड़ सकते हैं। 1 घंटे में वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। लगभग आधे रास्ते में आ चुके हैं हम, बट कस्टमर का कॉल आया था। FIP में जो मेन बोल्ट रहते हैं ना, नट 13 नंबर के, जो कॉलर वाले होते हैं कंपनी के, वैसे मिल नहीं रही है इस जैसे। तो क्या करें, नॉर्मल नट मिल रहे हैं और वॉशर। तो मैंने बोला ठीक है, वो लेके आइए। तो एक जुगाड़ वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, एक जुगाड़ करना पड़ेगा हमें। एक जगह है उसके नट निकालेंगे और फिर वहाँ पे सादा वाला नट डाला तो भी चलता है, बट वो आप मशीन पे जाके दिखाऊंगा मैं। अभी आधा रास्ता और भी बाकी है, लेकिन अभी तक ट्रैफिक था तो 15 किलोमीटर आने में ही काफ़ी टाइम लग चुका है। लगभग मशीन के करीब पहुंच चुके हैं, यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूर होगा। अरे मालिक आया कि नहीं? मालिक नहीं आया? किधर था? तो मालिक आया नहीं है और हम मशीन पे पहुंच चुके हैं। ये ऐसे लगा के रखा है, बारिश भी गलती से आ गया, तो इसका एयर फिल्टर असेंबली भी हमें खोलना पड़ा क्योंकि पीछे का बोल्ट बहुत जाम था। वो नट नहीं मिला ना उनको, नट नहीं मिला। देखो ऑपरेटर ने खुद सर्विस किया है इसका। ऑपरेटर ने ऑयल डाला, ऑयल फिल्टर डाला। अरे मैं कर देता ना फ्री में, ऐसा सर्विस का थोड़ी चार्ज लेता हूँ। क्या टाइम नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये फिल्टर भी चेंज किया, कोई बात नहीं। वैसे ये आपने सर्विस तो किया ठीक है। अरे कुछ नहीं, मैं बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी के लोगों को नॉलेज होता है ना। अभी देखो जेसीबी का आपने सर्विस किया, कौन सा ऑयल डाला है इसमें? फिल्टर डाला ये वाला, सब कुछ किर्लोस्कर का जो दिए थे। और पूरा ठीक डाल देते हैं, किर्लोस्कर है ना।
इसका FIP अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा थोड़ी देर में, तब तक के लिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे डालो, ये यहाँ पे जो बोल्ट होते हैं ठीक है वो डैमेज हुए थे, मतलब अभी डालेंगे तो दोबारा जो भी बंदा निकालेगा उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ये देखो ये पूरा डैमेज हुआ है ना। अच्छा, ये वाला तो ये अभी बाहर नहीं मिला कस्टमर को, तो हमने क्या जुगाड़ किया आपको दिखाता हूँ। इधर आ जाओ, ये आप कर सकते हैं सर। यहाँ पे देखो, यहाँ के हमने 3 बोल्ट निकाले हैं, ये वाले ठीक है, ये अच्छे है बोल्ट, ठीक है, कोई भी डैमेज नहीं है। और दूसरे बोल्ट यहाँ पे लगाना जरूर भूलना नहीं है, ये EGR का पाइप है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सादा बोल्ट डालते हो तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट वो जो हम FIP है वहाँ पे अच्छा वाला ही बोल्ट चाहिए, तो वो बोल्ट ये वाले हम वहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे, ये देखो आराम से यहाँ पे बैठ जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो नहीं, चेक कर रहा हूँ बस। हाँ, और ये हाथ से घूमते हैं तो बाद में आपको तकलीफ नहीं है ना जाने में, इसके लिए ऐसे चेक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये देखो आराम से जा रहे हैं। हाँ, एक बार इसका थ्रेड भी साफ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। फाइनली इसका FIP आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ऑथराइज डीलर से काम किया है इसका, तो ऑथराइज डीलर में सब कुछ ठीक से होता है। ये देखो कलर लगाते हैं बाद में, कोई खोले ना इसके लिए, ये देखो हर जगह पे कलर, सेटिंग को हिलाया नहीं इसके लिए, अगर हिलाया और कुछ प्रॉब्लम आ गया, हमने कुछ इसको छेड़छाड़ किया तो उनको तुरंत पता चलता है, इसके लिए वो करते हैं। और दूसरा क्या है इसमें, देखो ये डेट होता है ना, जब ये डेट है 22/6/2024, तो ये डेट जिस दिन रिपेयर होता है उस दिन ये डेट डालते हैं यहाँ पे, ताकि उनको बाद में समझ में आए। और अच्छा, उनके पास वो सब डाले, हाँ वो पंच किया है यहाँ पे। बाकी इनमें कस्टमर बोल रहे 18,000 से 19,000 खर्चा आया, क्यों आया, क्योंकि इसमें ज़्यादा मटेरियल ख़राब होता है। ये देखो ये यहाँ पे रिंग को डैमेज हुआ है, देखो इस, ठीक है यहाँ पे ये हुआ है, ये एडवांस वाल भी ख़राब हो चुका है, बाकी ये छोटे छोटे पार्ट है, अभी सभी के नाम तो पता नहीं है, बट ये सारे ख़राब हो चुके हैं। देखो ये सील मेन यहाँ से लीकेज होता है, बट बाकी अगर कुछ लोग क्या करते हैं इस सील को रिप्लेस करते हैं, सिर्फ सील को, ठीक है, बाद में अभी ये जो पार्ट डैमेज हो चुके हैं वेयर आउट, इससे और धीरे धीरे एक 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 पार्ट खराब हो जाएगा ना, फिर अगले बार खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, इसके लिए कैलिब्रेशन करना जरूरी, अपना अपना तरीका होता है काम करने का। चलो छोड़ो, अभी इसको हम बिठाएंगे। FIP का टाइमिंग जो ये फ्यूल पंप का यहाँ पे लॉक होता है, दूसरा यहाँ पे एक चेक करना पड़ता है, यहाँ पे एक टूल्स होता है, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है टूल्स की, और क्रैंक शाफ्ट के नीचे यहाँ पे मैंने पहले बताया आपको एक वीडियो में, तो वहाँ पे एक होता है, बस इतना टाइमिंग होता है। और बाकी अंदर के बोल्ट खोलने के लिए स्पेशल टूल्स लगते हैं, ऐसा वाला और एक रिंग होता है, उससे खोल सकते हैं आप उसको, और इसके आगे फिर इसको भी 22 नंबर का ये वाला नट लगता है, पहले हम बिठाते हैं इसको अच्छे से। ये वाला बोल्ट लगाने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि इसके बराबर अपोजिट साइड में इसकी शाफ्ट होता है, शाफ्ट में लगाना पड़ता है, ये अंदर से हाथ भी जाना मुश्किल होता है, ये देखो बहुत मुश्किल है। और ये थोड़ा सा लोडर नीचे आने की वजह से जरा थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर थोड़ा सा ऊपर रहता तो हाथ कंधा आराम से यहाँ से थोड़ा सा अंदर जा सकता है आदमी, तो इसके लिए हमने एयर फिल्टर का असेंबली भी खोला है, अब ऊपर से डालूंगा ये वाला बोल्ट। जब तक पूरा FIP फिट नहीं होता तब तक ये नहीं खोलना, नहीं तो यहाँ से डस्ट या कुछ गया ना अंदर तो यहाँ से आपके इंजेक्टर में जा सकते हैं, तो ये लास्ट में करना। ये हाई प्रेशर पाइप बिठाने से पहले एक बार क्रैंकिंग करके यहाँ से डीजल आना जरूरी है,
और कुछ डस्ट वेस्ट रहेगा वो भी बाहर निकलता है और थोड़ा वहाँ का क्लीन हो जाता है, तो ये ज़रूर मैं करता हूँ, अच्छा रहता है। ये देखो अभी स्टार्टर लग रहा है और यहाँ से डीजल ठीक से प्रेशर से आ रहा है। अब सब कुछ फाइनल हो चुका है, फर्स्ट सेल्फ में मशीन चालू होना चाहिए, देख लेते हैं क्या होता है। अगर सब कुछ सही रहेगा तो मशीन चालू हो जाएगी एकदम आराम से। मशीन चालू तो हो चुका है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो फायरिंग आपको थोड़ा सा कड़क हैवी लगेगा, क्योंकि ढेर सारे पार्ट्स जो है इसमें रिप्लेस हो चुके हैं, इसके लिए वैसा लग रहा है। तो धीरे धीरे फायरिंग जो है थोड़ा सा स्मूथ आने लगेगा, ठीक लगने लगेगा। और एक बार लीकेज ज़रूर चेक करना है, सभी कहीं पे लीकेज तो नहीं है, तो हम लीकेज चेक कर रहे हैं सारा, तो कहीं पे लीकेज तो बिल्कुल नहीं है। फाइनली जेसीबी का जो FIP है हमने अभी बिठाया है, मशीन चालू है, अभी भी उसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा 20-25 मिनट, कहीं इसे लीकेज तो नहीं है, क्योंकि नहीं तो दोबारा चक्कर मारना पड़ेगा। तो इस केस में कस्टमर का डीजल लीकेज था, इनको 18 से 19 हज़ार रुपये खर्चा आया है ये इसका रिपेयर करवाने में, और सर्विस चार्ज भी लगेगा जो मेरा है वो 2 दिन का सर्विस चार्ज लगेगा। तो ऐसे कुल मिला के 25 हज़ार रुपये खर्चा आ चुका है इस मशीन का FIP रिपेयर करवाने में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।